बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबीना बेबहा मर्तबा दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम पर और उनकी आल पर सहाबा इकराम पर। या रब ताला पाकिस्तान की खैर फरमा, कह दे आमीन। 14 जुमादी अव्वल 1445 हिजरी 29 नवंबर 2023 ईस्वी और 16 पंजाबी महीना मंगर और 2080 बकरमी। सबसे पहले तो देखते हैं डॉलर। डॉलर में आज 14 पैसे इंटरबैंक में कमी आई है, 285.52 रुपये से कम होकर 285.38 रुपये पर क्लोजिंग दी गई है। अमराती दिरहम में 77.74 रुपये से कम होकर 77.71 रुपये, यानी सिर्फ इसमें 3 पैसे की कमी आई है। कल भी 3 पैसे की कमी थी और आज भी 3 पैसे की कमी आई है। सऊदी रियाल 76.12 रुपये से कम होकर 76.08 रुपये पर आया है, यानी इसमें भी 4 पैसे कमी हुई है। कल भी 4 पैसे कमी आई थी और आज भी 4 पैसे कमी आई है। जनाब हम देखते हैं जरा ओपन मार्केट का रेट भी। अब डॉलर आ गया 285.50 रुपये, 288.60 रुपये, सऊदी रियाल 70.40 रुपये और अमराती दिरहम 79.15 रुपये। इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की कीमत है उसमें तकरीबन 94 सेंट की, यानी तकरीबन $1 का इजाफा हुआ है क्रूड ऑयल में और $0.25 का तकरीबन इजाफा हुआ है ब्रेंट ऑयल में। 70.35 डॉलर क्रूड ऑयल है और 82.43 डॉलर ब्रेंट ऑयल है। चांदी इंटरनेशनल मार्केट में जो आज 800 रुपया पर किलो की हद भी क्रॉस कर गई है, वरना चांदी $725 पर किलो से शुरू हुई थी 26-27, इसी तरह बढ़ते बढ़ते आज $802 पर किलो पर पहुंच चुकी है। चांदी ने सबसे ज्यादा बड़ी छलांग लगाई है। लेकिन पाकिस्तान में चांदी का कोई रेट खास अप डाउन नहीं हो रहा। 2500 रुपया पर तोला आई है, यह 2400 रुपये पर तोला से बढ़कर 2500 रुपये किया है। 214 रुपये पर ग्राम और 2,14,000 रुपये में 1 किलो चांदी खरीदो फरोख्त हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड की कीमत है बढ़िया छलांगा लगा रहा है, लेकिन गोल्ड पाकिस्तान में रेट नहीं बढ़ रहा। इंटरनेशनल मार्केट होगी $2,040 पर आउंस पर, 65.57 डॉलर पर ग्राम पर और $765 पर तोला पर। और आपको मैं बताऊं ये बहुत ही अरसा $728 से लेकर और $717 के दरमियान में कीमत बड़ा अरसा चलती रही। एक मरतबा ये 700 सी हद क्रॉस नीचे गई है, लेकिन अब तो मामला ही कुछ और हो गया। $765 पर तोला इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूं। अगर हम दुबई का दिरहम देखें तो 247 दिरहम का 1 ग्राम सोना, 2870 दिरहम का 1 तोला सोना आएगा दुबई के अंदर। और अगर हम दुबई का रेट लगाएं अपने दिरहम के साथ, इंटरबैंक के साथ आएगा 2,22,666 रुपये और ओपन मार्केट दिरहम के रेट साथ रेट कन्वर्ट करें तो 2,27,700 रुपये रेट आएगा पर तोला का। और अगर हम डॉलर के साथ कन्वर्ट करें तो 2,20,600 रुपये रेट आता है इंटरबैंक के साथ कन्वर्ट करके। अब देखते हैं जी पाकिस्तान में जो बोर्ड का रेट है वो क्या आया है। रावलपिंडी का 2,17,000 रुपये में पासा देने का रेट है, 2,16,000 रुपया खरीदारी का रेट है और 2,14,000 रुपया रेट आ गया गोल्ड जेवरात बनाने वालों का। अब देखते हैं जरा ओपन मार्केट का रेट भी। मार्केट है $2,042, टाइम है 2:20, ये दिन के वक्त की बात हो रही है। और सोने का रेट आया पहला 2,19,500 रुपये में देने का रेट, 2,18,500 रुपया खरीदारी का रेट। इसी तरह जो रवा पठोर तेजाबी है 2,17,500 रुपया देने का रेट और 2,16,500 खरीदारी का रेट। टाइम आ गया 4:39 पर असर का वक्त। मार्केट है $2,038 और रेट आ गया 2,18,600 रुपये में देने का रेट, 2,17,700 ये पीस की बात कर रहा हूं खरीदारी का रेट। और पठोर तेजाबी 2,17 और 2,16। अगर हम देखें तीनों गोल्ड के रेट, पीस देने का, रवा देने का और जेवरात का रेट, 2,18,600 रुपया पीस देने का रेट, 2,17,300 रुपया इस वक्त जो फिजिकल रवा दे रहे हैं बाजार में, 2,17,300 रुपये में इस वक्त दे रहे हैं
और 2,14,000 का रेट आएगा जेवरात वाला। केपीके का भी रेट चेक कर लेते हैं, पर ग्राम का रेट आएगा पूरे पाकिस्तान के लिए 18,630 रुपए और 2,26,350 रुपया पठोर केपीके का रेट आएगा। वहां पर होता है 12 ग्राम 150 मिलीग्राम का वजन, कुछ शहरों में सारे केपीके के अंदर नहीं होता। अब दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट तो जा रही है हवाओं में और पाकिस्तान में सोने का रेट नहीं बढ़ रहा, क्योंकि IMF की टीम अभी पाकिस्तान में मौजूद है जो तकरीबन ये पूरा हफ्ता रहेगी, लेकिन उनका जोर और किसी मामले पर हो ना हो टैक्स वाले मामले पर जोर दे रहे हैं। कह रहे हैं जी कि एक सिरे से शुरू कर दें और हर दुकान पर टैक्स लगाएं। तो देखते हैं, चले हुकूमती काम है वो, टैक्स नेट पे भी सबको आना चाहिए। तो गोल्ड की अपडेट मजीद मेरे पास नहीं है, आप दोस्तों के पास अगर कोई और अपडेट है तो मेरे साथ शेयर करिएगा मेरे चैनल को। मैं जरा इलेक्शन में मसरूफ हूँ, कभी इलेक्शन की डेट दे देते हैं, कभी कहते हैं अभी नहीं, तो जनाब थोड़ी सी मसरूफियत है। आप सब भी अपनी अपनी अपडेट शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद।